वेलकम टू रेडिशन रूट ऑनलाइन क्लासेस बाय रेडिशन द स्कूल जेवर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम पारुल यादव, टीचर ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट, ये आपका पार्ट तीन, पार्ट का नाम है आकाश में महल। अभी आप लोगों ने इस चैप्टर की रीडिंग मैं सूचना भिजवाऊँ तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना, हमने कल इसकी रीडिंग यहाँ तक कंप्लीट की थी। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। बीरबल दरबार में पहुँचे, सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी बेचैनी से किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? बीरबल की। बीरबल ने अपने नौकर से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुँचे। बीरबल ने अपने नौकर से कहा कि जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुँचे। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत किया, उन्होंने सारे तोतों को पिंजरों से उड़ा दिया। जब नौकर ने बाहर जाकर संकेत किया तो मजदूरों ने क्या किया? पिंजरों से तोतों को उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सिखाए शब्दों को बोलने लगे। बीरबल ने तोतों को कुछ शब्द रटवाए थे तो वो उन्हीं को बोलने लगे। कौन से शब्द थे वो? ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। सभी दरबारियों और अकबर ने ये सब सुने। बीरबल ने कहा, हुजूर कारीगर तो आकाश में पहुंच गए हैं। बीरबल ने क्या कहा अकबर से कि हुजूर कारीगर तो आकाश में पहुंच गए हैं, सामान मांग रहे हैं, शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। बीरबल ने महाराज को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि वो सामान पहुंचा देंगे। अब कारीगर तो आकाश में पहुंच चुके हैं तो वो शर्त के अनुसार सामान किसको पहुंचाना है? अकबर को। अभी भी ऊपर से वे ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अभी भी ऊपर से कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी? ईंट लाओ, पत्थर लाओ, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। अभी भी ऊपर से वो ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। देखिए, जैसे यहाँ पे ये तोते उड़ के आकाश में बोल रहे हैं, ईंट लाओ, रेत लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक तो किसी की समझ में नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। कुछ देर तक वहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब मालूम पड़ा तो सभी लोग क्या किया? हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए। किसकी चतुराई से अकबर प्रसन्न हुए? बीरबल की चतुराई से। उन्होंने अपना मोतियों का मूल्यवान हार बीरबल के गले में पहना दिया। उन्होंने क्या किया? अपना मूल्यवान मोतियों का हार बीरबल के गले में पहना दिया। स्टूडेंट, आज आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद आप अपने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड अपनी नोटबुक में कर चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट पेज पे क्या करना है? शब्द अर्थ। ये शब्द अर्थ हैं जो आपको आपकी नोटबुक में करना है। जैसे फर्स्ट है मनोरंजन, मन बहलाना, चित्रकार, चित्र बनाने वाला, संगीतकार, संगीत रचने वाला, ईर्ष्या, जलन, आश्चर्यचकित, हैरान, प्रबंध, व्यवस्था, मित्रता, दोस्ती, असंभव, नहीं हो सकता। ये सारे वर्ड मीनिंग है जो आपको आपकी नोटबुक में करना है, जो आपको इस तरह से करना है। स्टूडेंट, डेट आपको कौन सी है? 27। पाठ का नाम डालना है आकाश में महल, शब्द अर्थ, मनोरंजन मन बहलाना, चित्रकार चित्र बनाने वाला, संगीतकार संगीत रचने वाला, ईर्ष्या, जलन, आश्चर्यचकित, हैरान, प्रबंध, व्यवस्था, मित्रता, दोस्ती, असंभव, नहीं हो सकता। ये आपके वर्ड मीनिंग है जो आपको आपकी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू क्लास।